हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने परिवार का पूरा ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, मैं भी परिवार का ख्याल रखते हुए सभी को घुमाने ले जा रहा हूँ। आयु और हनी नहा रहे हैं, पापा जी, मम्मी और डॉली तैयार हो चुके हैं, मोनू भी तैयार हो चुकी है और अब मैं जा रहा हूँ चुनचुन को लेने, क्योंकि वो भी छोटी बच्ची है और वो भी हमारे साथ जाएगी घूमने, क्योंकि उसका भी मन होता है आयु हनी के साथ खेलने का। तो हम सब कहाँ जा रहे हैं यह आपको आगे पता चलेगा। यह है हमारी चुनचुन, जो बंदरिया जैसी दिखती है कि नहीं दिखती है? नहीं दिखती हूँ। कैसी दिखती है? अच्छी अच्छी दिखती है। किसने बोला तेरे से तू अच्छी दिखती है? बुआ बुआ ने बोला कि चुनचुन अच्छी दिखती है तो अच्छी दिखती है। तो गाइस, यदि आपको चुनचुन अच्छी दिखती है तो कमेंट करके बता दें, और अगर चुनचुन अच्छी नहीं दिखती है तो ये भी बता दें कि उसको अच्छे दिखने के लिए क्या करना पड़ेगा। अच्छे दिखने के लिए उसको उसके जीजू को का कहना मानना पड़ेगा। क्यों बाल नहीं मानेगी बस भुआ के कहना मानेगी, है ना? बालों की मान लेगी। हाँ चलो ठीक है भैया। तो है घर और ये दोनों क्या कर रहे हो? चलना है कि नहीं चलना है? जहां भी चलना है घूमने चलना है। तो चलो खड़े हो, और क्या है, कब तक तो बैठे रहोगे? हैं? अरे मम्मा मम्मा को रहने दो, अपन ही चलते हैं। चलो तब भी हम ये लिया है खाने का, खाने का गाड़ी में भी ये खाने के। कितने का ले आए ये? ये नानू ने पैसे दिए, मेरे को नहीं पता। अरे यार, नानू कहाँ मिल गए थे? वहाँ नानू वो वहाँ दुकान पे ही था। अच्छा, दुकान पे थे। तीन चलो ठीक है, तो हमको खाने को दोगे कि नहीं? बड़े लोगों दुकान के अंदर घुस गए थे। दुकान के अंदर घुस गए थे? हाँ। इसके ढक के ये लगा दिया हमने। गाइस, हम निकल चुके हैं जाने के लिए, और हमारी फौज भी बहुत तैयार है। हैं? पक्का? फौज तैयार हो चुकी है और फौज भी चल रही है। ऐसा तो गैस, जब भी आप कार ड्राइव करें तो सीट बेल्ट जरूर लगाएं। और ये देखो, हमारे तीनों बंदरों को, तीनों आके आराम से बैठ चुके। ये देखो, ये इनकी मस्ती कंटिन्यू जा रहेगी, ये सीधे नहीं रहेंगे। अभी बहुत भोले दिख रहे हैं, थोड़ी देर बाद शैतान बन जाएंगे ये। तो ये फिर चालू हुआ। आप समझ ही चुके होंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। जय माता दी, जय माता दी। हम जा रहे हैं विजयासन धाम सलकनपुर। तो अब आपको ऊपर जाकर हम दर्शन कराएंगे विजयासन देवी के। फाइनली हम पहुंच चुके हैं सलकनपुर ऊपर पहाड़ी पर, और अब सीधे जाएंगे और देवी जी के दर्शन करेंगे और आपको भी कराएंगे। और आप देख सकते हैं कि सारे लोग चलने की तैयारी कर चुके हैं। ये चुनचुन का पर्स भूल गया था, ये चुनचुन पर्स छुड़ाने आ गई है। इसके बाद हम मंदिर जाने के लिए निकल पड़े, लेकिन आयु, चुनचुन और हनी मस्ती करते हुए चल रहे थे। हम उन्हें बार बार समझा रहे थे कि ज़्यादा तेज मत चलो, नहीं तो गिर जाओगे, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। जब उन्हें एक बार डांटा तो उन्होंने कहा नहीं, हम मस्ती करने आए हैं, और उन्होंने सीधे दौड़ लगा दी। हमने उनसे कहा कि सबसे आखिरी वाली दुकान पर रुक जाना, क्योंकि हमें प्रसाद भी खरीदना है। फिर पापा जी प्रसाद खरीदने पहुँचे, फिर मोनू को कुछ याद आया कि प्रसाद में वो चीज़ें ज़रूरी हैं जो माता जी को चढ़ती हैं, तो फिर मोनू बताने गई और डॉली
बड़ी भाई सेल्फी स्टार्ट कर दी थी बच्चों के साथ लेना, उसके बाद पापा जी प्रसाद लेकर आ गए और हम मंदिर जाने के लिए निकल पड़े। और सीढ़ियों से आपको पता है कि वहां से सीढ़ियों से उतरते हैं तो संभल कर उतरना पड़ता है। तो गाइस अभी यहां पे बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है। कुछ आया पसंद? कर रहे हैं। और तुमको आया कि नहीं? है 100 रुपए से ज्यादा का सामान नहीं खरीदना है कि ज्यादा का खरीदना है? देखो। एक दुकान के बाद दूसरी दुकान, और इन लोगों को पसंद आसानी से आएगा नहीं क्योंकि इन लोगों के पास बहुत सारी चीजें हैं। अभी भी कंफ्यूज है, तीनों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है। हालांकि चुनचुन को कुछ पसंद आया है लेकिन अभी भी कंफ्यूज है। पहुंच गया है दूसरी शॉप पर, ये कंफ्यूज ही रहेंगे। फिर मायूस होकर वापस, ज्यादा खिलौने होना भी बेकार बात है। अभी कंफ्यूजन बरकरार है। तो आ गया ना तुम लोगों को पसंद, एक प्रिय के लिए कुछ रख लो, मन से रख लो प्रिय के लिए। तुम तीनों को आ गया, बताना क्या क्या लिया। ये लिया चुनचुन ने, कितना लिया चुनचुन तुमने, क्या लिया? ये हमको भी दो चाहिए बाबा, ये उसने तीन ले लिया, काफी है और हमको भी दो चाहिए, नाइन काफी है। कैसी लग रही? अरे चुनचुन की बुआ तो बेकार लग रही है। चुनचुन कैसी लग रही? बदल क्या है, कुछ दिख नहीं रहा उसमें। चलो बदल के आते हैं, अपन कुछ नहीं दिख रहा उसमें। अरे बेकार चल के आ रहे हल्का। गाइस जब आप फैमिली के साथ कहीं जाते हैं और वहाँ शॉपिंग शुरू होती है तो कई बार मैंने देखा है कि मेंस इरिटेट हो जाते हैं और वो कई बार बोलते हैं कि क्या यार शॉपिंग लगा के रखा है, कब तक खरीदी करते रहोगे, अपने वहाँ भी तो सामान मिल जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, जो खरीदी करते हैं वो खुद के लिए और अपने परिवार के लिए भी खरीदी करते हैं। जैसे डॉली और मोनू बड़ी दीदी के लिए भी खरीदी कर रही हैं और आंसू के यहाँ भाभी के लिए भी खरीदी कर रहे हैं, बच्चों के लिए भी खरीदी कर रहे हैं, उन्हें भी कुछ दिला रहे हैं ताकि उन्हें भी खुशी मिले। तो ये सारी चीज़ों में समय लगता है, इसलिए आप शांति बनाए रखें। उसके बाद हम सीधे पहुँचे कार के पास और आप देख सकते हैं कि कार का लॉक खोलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन मैंने लॉक खोला ही नहीं था तो इनसे नहीं खुला था, लेकिन उसके बाद खुल गया। और फिर आयु ने प्री के लिए जो हमने दो सामान खरीदा था वो सामान रखा। उसके बाद धीरे धीरे चुनचुन को बड़ी फिक्र थी उसके सामान की और हनी को, लेकिन आयु सभी का सामान बड़े भाई होने के नाते जिम्मेदारी से अंदर कार की डिक्की में रख रहा था और हमने पूरा सामान कार की डिक्की में सेफली रख लिया। आपको बता दूं कि ऊपर खाना खाने की उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी क्योंकि जो हरे भरे पेड़ थे उनकी छटाई कर दी गई है। तो हम नीचे आए हैं, मतलब टोटल नीचे तो नहीं आए, बीच में पहाड़ी पर हमें जगह मिल गई है जहाँ की जगह हम बैठकर खाना खा रहे हैं। बहुत सी गाड़ियाँ हमारी जो हैं वो यहाँ बैठकर खाना खा रहे हैं, तो हम खाना खाने के बाद फिर आगे का सफ़र तय करेंगे। तो गाइस फाइनली हम माता रानी के दरबार से अपने घर जाने के लिए निकल चुके हैं और माता रानी से बस यही प्रार्थना है कि उनका आशीष हम सभी पर सदा के लिए बना रहे, सभी स्वस्थ रहें मस्त रहें, किसी प्रकार का कोई संकट ना हो, कोई परेशानी ना हो और सभी का जीवन सुखमय बीते, बस यही माता रानी से प्रार्थना है। जय माता दी। आप देख सकते हैं कि घर आने के बाद आयु की बड़ी बुआ आ गई है, क्या लेकर?
कचौड़ी जो कि आयु और हनी की फेवरेट नहीं है। तो आप देख सकते हो बहुत सारी कचौड़ी लाई है और ये दोनों बंदर कचौड़ी खा रहे हैं। पापा हमने बोला ना कि हम दोनों की फेवरेट नहीं है। हाँ तो हनी मेरा मुंह देख रहा है, आयु भैया बोल रहे हैं ऐसा फेवरेट है, गंदी गंदी बनाती तेरी बड़ी मां। अच्छी बना यार, तू बना ना, खा के देखो, खा के देखें। तो हम लोगों को खिला दो, आप क्यों खा रहे हो? अच्छा मैं आपको बता दूं कि आयु की बड़ी बुआ इतनी अच्छी है कि अभी 7:45 बज गया, खुद के घर का खाना नहीं बनाया पर बच्चों को पहले खिलाने आई ताकि बच्चे गरम गरम खा सके। अच्छा आई लाइक इट। तो बड़ी बुआ को उनका गिफ्ट ला दो। और ये आ गया है बड़ी बुआ का गिफ्ट जो कि आयु और हनी दोनों देंगे। ये दिया गिफ्ट, सलगनपुर से लाए थे वो। अब तो कचौड़ी फिर से आना चालू हो जाएगी। नहीं नहीं अब शाही कचौड़ी, मेरी डिमांड पे शाही कचौड़ी। शाही कचौड़ी अभी क्या है, थोड़ा सा रिस्की चल रहा है। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं ऑफिस, कल के कामों की तैयारी करना है। नानू भैया भी आ चुके हैं और लोग भी बैठे हुए हैं। तो ब्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पर एंड। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया हो, और पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय।